तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वाइल लूप के बारे में। तो इसको समझते हैं कि इसके कोड को कैसे लिखते हैं और ये किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट में आ गए और स्क्रिप्ट में आने के बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सपोज टू बी कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर आई करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। आई वेरिएबल सेट कर दिया, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 सेट कर दी, ये एक वेरिएबल सेट हो गया और इसको हमने लेट के साथ यूज़ कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर कि व्हाइल का लूप कैसे हम स्टेटमेंट को कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती इसको आपने जो है कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर जब भी कंटिन्यू करेगा तो उसकी जो ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक में कोड लिखा होगा उसको ये कंटिन्यू करता रहेगा। अब ब्लॉक में क्या कोड लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और टेस्टिंग, दिस इज टेस्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया, सेव कर दिया और यहाँ पे आके हमने सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये देखें इसको परफॉर्म करेगा। लेकिन देखें अब आप सोचें कि अगर ये आई की वैल्यू 1 है और आई से शुरू करता है तो ये एक इन्फेनेट लूप हो जाएगा। इन्फेनेट लूप क्योंकि आई की वैल्यू कहीं भी जाके 10 होगी ही नहीं, क्योंकि आई में कोई किस्म का इंक्रीमेंट नहीं है। तो आइटरेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और वो ये काम जो भी इसकी ब्लॉक में लिखा हुआ है परफॉर्म करता रहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हमें इसको किसी जगह पे स्टॉप करना है तो इसको कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी। तो इसकी कंडीशन भी हमें लूप के अंदर बतानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं आई प्लस प्लस, तो ये हो गया आप इन्फिनिट से इन्फिनिट लूप हो गया। अब क्या होगा कि आई की वैल्यू जैसे ही 10 होगी ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से आ गए हम इस पर और यहाँ से रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे जाके, तो ये देखें 10 टाइम इसने स्टेटमेंट को रन कर दिया। अगर न्यू लाइन की बात की जा रही थी तो यहाँ कॉमा लगा के डबल कोट्स में हम HTML के कोड को यूज़ करके न्यू लाइन का स्टेटमेंट भी ऐड कर देते, तो ये इस तरह से काम करेगा। तो ये तरीका है वाइल के लूप को परफॉर्म कराने का। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि वाइल के लूप के अंदर आप इसमें इनपुट लेके भी किसी कंडीशन के मुताबिक भी आप काम ले सकते हैं। लेट सपोज अभी जैसे स्टेटमेंट तो प्रिंट हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे एक लिख देता हूँ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने कमांड सीखी थी प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कमांड ले लेते हैं और प्रॉम्प्ट का फंक्शन लेने के बाद इसमें क्लिक करते हैं। अब प्रॉम्प्ट कुछ भी प्रॉम्प्ट करेगा वो इसको वैल्यू परफॉर्म करनी है। प्रॉम्प्ट की वैल्यू हम किसमें स्टोर कर रहे हैं, अब प्रॉम्प्ट की वैल्यू के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट और उसका नाम लिया गेट इनपुट। गेट इनपुट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब हमने कहा कि जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू है वो चली जाएगी गेट इनपुट में, बल्कि एक आसान काम ये करते हैं कि गेट इनपुट में नहीं बल्कि हम कहते हैं कि जो भी प्रॉम्प्ट को वैल्यू मिलेगी वो चली जाएगी आई के अंदर। तो आई असाइनमेंट कर दिया प्रॉम्प्ट के साथ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को हमने मैसेज दे दिया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज लिख देते हैं एंटर वैल्यू। तो अब यहाँ पे कहा हुआ है कि आई का लूप जब तक चलता रहे जब तक के क्या ना हो उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए। अब यहाँ हम स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। तो ये देखें पहली दफ़ा में मांग रहे हैं, हमने कोई भी वैल्यू दे दी, 5 दे दी, 3 दे दी, 2 दे दी, लूप कंटिन्यू है, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हम इसको क्या वैल्यू पास नहीं करेंगे, 10 वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो ये देखिए अब ये हम दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये 10 वैल्यू पास कर दी और ये लूप हमारा स्टॉप हो गया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये कह दें मिसाल के तौर पे आई की वैल्यू जो है हम यहाँ कर देते हैं नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि इसका रिवर्स हो जाएगा, जब तक 0 एंटर नहीं करेंगे ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू डाली 3, 5, लूप कंटिन्यू है, स्टेटमेंट हमारी कंटिन्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर अब 0 डालूंगा तो ये देखें हमारा लूप जितनी बार चला था उसने उतनी बार वो स्टेटमेंट को आपके सामने डाल दिया और उसको जब हमने स्टॉप करना चाहा तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। इस तरह से हम वाइल लूप को डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खासकर जावास्क्रिप्ट में।